ये है फ्लैट जो आप देख रहे हो सामने, पूरा ये फ्रंट एलिवेशन है फ्लैट का और बहुत ही छोटी रोड है। नीचे अंदर पार्किंग रखी है, गाड़ी की पार्किंग अंदर है, बाहर रैंप पे भी आपकी दो गाड़ी खड़ी हो जाएंगी और चौड़ी रोड है पूरी। इधर है आपका मेटी स्कूल, पीछे की वो लही है और इतना स्पेस है यहाँ पे कि आप चाहो तो बाहर यहाँ पे भी गाड़ी खरीद कर सकते हो। वन साइडेड बना हुआ है, गेट ऑफ सोसाइटी है, गेट वहाँ पे है और एक गेट आपको वहाँ पे है, तो वो गेट ऑफ सोसाइटी है और बाहर भी आप आराम से इजीली गाड़ी पार्किंग के लिए, कोई तो पार्किंग की दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं, बाहर ही पार्क करो अंदर ही पार्क करो। बहुत बड़ा फ्लैट है, बाहर का देखो फ्रंट एलिवेशन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा पूरा फ्रंट एलिवेशन है ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें फ्लैट बिक चुका है, अदरवाइज तीन फ्लैट भी बचे होंगे। एक तो ये एंट्री है आपकी वॉकिंग की, ये आपकी गाड़ी की पार्किंग की एंट्री यहाँ से है। नीचे पार्किंग देखिए, तीन गाड़ी की अंदर एंट्री है, तीन गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी। अभी एक फॉर्च्यूनर खड़ी है इसके अंदर ऑलरेडी, तो आप अंदर आगे स्पेस पे से पीछे भी स्पेस पूरी पार्किंग हो गया नीचे का, और बाहर रैंप पे पार्किंग है ही और सामने पार्किंग है पूरी इंटर सोसाइटी। तो पार्किंग की दिक्कत यहाँ पे ऐसे भी है नहीं है, लिफ्ट इसमें इंस्टॉल हो चुकी है जो आप देख रहे हो, लिफ्ट का काम चल रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लिफ्ट हो गया, पूरी लिफ्ट है यहाँ पे। और इस साइड में यहाँ पे आपके लगेंगे मोटर, यहाँ पे आता है गंगा मोटर सुबह और शाम को, यहाँ पे गंगा मोटर के लिए मोटर लगी हुई है, इस प्रकार की मोटर लगेंगी आपकी। अदरवाइज इमरजेंसी के लिए समर्सिबल तो हर बिल्डिंग में मिलता ही मिलता है, सुनता मैं आपको गंगा मोटर आता है यहाँ पे सुबह और शाम, तो पानी की कोई दिक्कत होती नहीं है। अदरवाइज पानी खत्म हो गया तो आप इमरजेंसी में यहाँ पे समर्सिबल यूज कर सकते हो। ये स्टेयर का साइज देख रहे हो आप, इधर पे इमरजेंसी बना हुआ है इस साइड से और साफ है, ये पूरा का पूरा स्टेयर है और स्टेयर इतनी अच्छी है आराम से इजीली अप डाउन कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। जो पूरी फ्लोर है ये 128 मीटर तकरीबन 150 गज की पूरी फ्लोर है बालकनी लेके, और इंडिपेंडेंट फ्लोर है ये पार्क के साथ, सॉरी पार्क बोल रहा हूँ, पार्किंग के साथ और पार्क फेसिंग के साथ। सामने है लिफ्ट जो आप ये देख रहे हो, इस साइड में आपका लगा हुआ है MCB बोर्ड, ऊपर यहाँ पे लाइट लगी हुई है बाहर के लिए और ये पूरा MCB दिया गया है। यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ से इसकी एंट्री है जो आप देख रहे हो, मैं यहाँ से इसकी एंट्री है और ये बाहर देख सकते हो आप, 9 फीट का दरवाजा लगा हुआ है 9x4 का और बहुत ही बढ़िया फ्लैट है ये, मैं आपको सुनाया उसका टूर। यहाँ से इसकी एंट्री, एंट्री करते ही आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड में ये कॉमन वॉशरूम है जो आपको दिखाई दे रहा है, और साइज देखिए वॉशरूम का कितना ही प्यारा है, कितना ही बड़ा साइज है वॉशरूम का। ऊपर आप देख सकते हो फुल सेलिंग हो रखी है, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट लिए पॉइंट दिया गया है, अभी सैनिटरी की फिटिंग इसमें लगनी बाकी है, सिस्टर भी बाकी है, अदरवाइज अभी इसका काम ऑलरेडी फिनिशिंग मोड पर चल रहा है। ये पूरा का पूरा फ्लैट एंट्री करते ही सामने मिलता है आपको बहुत ही बड़ा सा लिविंग हॉल, लाइट नहीं आ रही है इसमें, ये पूरा पूरा लिविंग है इस साइड में जो आप देख रहे हो, और ऊपर आपको दिखा दो तो ऊपर फुल सीलिंग हो रखी है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, झूमर लगा हुआ है छोटा सा प्यारा सा, और सामने है टीवी यूनिट, टीवी पैनल लगा हुआ है सामने, इस साइड में वॉलपेपर लगा हुआ है वॉल पे जो आप ये देख रहे हो। हॉल का साइज तकरीबन होगा, इस साइड में किचन है पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, मॉडुलर किचन है और पूरी ओपन किचन है, यहाँ पे रखा है फ्रिज के लिए पॉइंट, इस साइड में यहाँ पे है सिंक, सैनिटरी की फिटिंग अभी लगनी बाकी है इसमें, और पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरे इसमें किचन का, यहाँ पे सामने आपका आ जाएगा चिमनी और ऊपर वोट का पूरा कंप्यूटर रखा है, सॉफ्टवेयर डोर लगे हुए हैं इसके अंदर। 16x18 का ये हॉल है जो आप देख रहे हो, और सामने अपने टीवी यूनिट यहाँ पर लगी हुई है, आप आ जाएगी डाइनिंग स्पेस बना लीजिए इसको आप साइड में यहाँ पे, और वो आपका आ जाएगा फ्रिज के लिए पॉइंट। ऊपर की बात करूँ तो ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर फॉल सीलिंग और रखी है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, अदरवाइज पूरे वॉल पे टेक्सचर हो रखा है, इस साइड में वॉलपेपर लगा हुआ है। एक बेडरूम आपका बाहर बालकनी से अटैच है और दो बेडरूम आपके हैं पीछे साइड में, एक बेडरूम आपका ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वाले बेडरूम का जो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें मास्टर अटैच वॉशरूम मिलता है आपको। ऊपर आप देख सकते हो ऊपर फॉल सीलिंग, सीलिंग फैन लगा हुआ है, इस वाले जो आप देख रहे हो सामने येलो कलर में टेक्सचर हो रखा है, इस साइड में व्हाइट कलर का और सिल्वर कलर का टेक्सचर हो रखा है पूरी वॉल पे, पूरा काम। अब भी फ्लैट है ये फिनिशिंग मोड में, पूरा आपको रेडी करवा कर देंगे फ्लैट। सामने है आपका अटैच वॉशरूम, अलमीरा लगी हुई है, ऊपर की फॉल सीलिंग देख लीजिए, यहाँ पे है आपका साफ्ट, और यहाँ से आप चाहो तो आप विंडो सी लगा सकते हो, यहाँ विंडो सी के लिए पॉइंट दिया गया है, इस साइड में साफ्ट है तो विंडो ओपन भी जाती है, तो आप चाहो तो आप कूलर भी ला सकते हो, तो विंडो सी का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। ये है इसका वॉशरूम, इसमें सेनेस्ट्री के फेट सीट्स अभी लगनी बाकी है, अदरवाइज आप देख सकते हो साइज वॉशरूम का किस प्रकार से। 11x14 का ये बेडरूम था जो मैं दिखा रहा था आपको, हमें चलता हूँ सेकंड बेडरूम में, ये है इसका सेकंड बेडरूम और इसमें भी सेम साइज है आपका 11x14 का, और पीछे जो आप देख रहे हो साफ्ट है, यहाँ विंडो से पेंट दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग हो रखी है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, इस वाली वॉल पे टेक्सचर पेंट हो रखा है और एक अलमीरा दी गई है इसके अंदर भी। पीछे का ये साफ्ट है और मैं आपको साफ्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पर चाहो तो अपनी वॉशिंग मशीन डाल सकते हो और ईजिली यहाँ पर स्टोर रूम बना लीजिए आप, या फिर पूजा रूम बना लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर और बहुत ही मतलब ह्यूज साइज है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। इस साइड में अगर बात कर लूँ मैं आपको, तो आप दिखाता हूँ मैं थर्ड बेडरूम, इसमें 3 वॉशरूम और 3 बेडरूम है टोटल, साइज इसका है 128 मीटर। ये वाला जो बेडरूम है ये है 10x14 का जो आके आप देख सकते हो, इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। सामने जो दीवार देख रहे हो ब्लू कलर में टेक्चर लगा हुआ है, ऊपर आप फॉल सीलिंग हो रखी है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, और सामने विंडो सी का पॉइंट इसमें भी दिया गया है। और मैं बात करूँ बाहर बालकनी की, तो ये बालकनी का साइज है और बालकनी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है इसकी, यहाँ से
आपको दिखा देता हूँ मैं, तो आप चाहो यहाँ पे अपनी टैब लगा सकते हो, वॉशिंग मशीन के लिए टैब दिया गया है यहाँ पे, और ये पूरा बाहर का ही लोकेशन है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। चौड़ी रोड है, पार्किंग की दिक्कत है नहीं, सामने एमएलटी स्कूल है, एमएलटी नेशनल स्कूल सामने, और पार्किंग की दिक्कत है क्योंकि पीछे उसकी वॉल आ रही है, तो पूरा स्पेस है और पार्किंग कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये फ्लैट अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें या तो हमारा नंबर आ रहा होगा, आप चाहिए तो आप बात करके इस फ्लैट को विजिट भी कर सकते हैं। वसुंधरा के सेक्टर 1 में है ये फ्लैट, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।